हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप पे जो किसी को अगर फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे फ़ोटो। तो इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अनिल टेक ज्ञान चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, आप जिस किसी को भी भेजना चाहते हैं फ़ोटो, तो उसको जो है उसके प्रोफाइल में चले जाना है। तो फ़ोटो भेजने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस सामने आपके आएगा। तो आपको यहाँ एक कैमरे का ऑप्शन है और एक माइक का है। उससे पहले आपको एक जो है तिरछा टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी पे आपको टच कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो है 6 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गैलरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप जो भी फ़ोटो भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो मैं आपको कोई एक फ़ोटो भेज के दिखा देता हूं गाइस। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से आप अपना इसको जो है अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं, और क्रॉप करने के बाद ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो उसके बाद मैं आपको यहां पे जो है सीधा देख सकते हैं सेंड का एक ऑप्शन दिख रहा है सामने ग्रीन कलर का, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो है उस बंदे के पास सेंड हो गया है। और अगर दोस्तों आप फ़ोटो को पीडीएफ में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक है दोस्तों, आपको इसी पर टच कर देना है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, तो इसी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन है ब्राउज़र डॉक्यूमेंट, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है ब्राउज़र डॉक्यूमेंट पर। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे। जो भी फ़ोटो आपको सेंड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है और सेंड वाले आइकन पे टच कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा फ़ोटो पीडीएफ में सेंड हो गया है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।